खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां कलेक्टर मनोज पुष्प तथा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ रीवा प्रयागराज मार्ग में सुहागी घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण एजेंसी तथा संबोधित विभाग को सड़क में सुधार कार्य तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि सड़क के संबंध में तकनीकी समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार सभी कमियां दूर कराएं, अंधे और तीव्र मोड़ों में सहायक में सुधार के साथ साथ उचित साइन बोर्ड लगाएं, सड़क के किनारे बॉर्डर बनाने तथा अन्य कार्य भी तत्काल शुरू करें। कलेक्टर ने कहा कि निर्माण एजेंसी हाईवे पेट्रोलिंग शुरू करें, शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक घाट में पेट्रोलिंग कराएं। घाट वाहनों की गति सीमा 20 किलोमीटर प्रति घंटे निर्धारित की गई है। पेट्रोलिंग के दौरान इसका लगातार अनाउंसमेंट कराएं। टोल प्लाजा में जेसीबी मशीन, पेट्रोलिंग वाहन तथा एम्बुलेंस तैनात करें। इनके प्रतिदिन मूवमेंट की रिपोर्ट वीडियो के साथ प्रस्तुत करें। कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित MPRDC के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सुहागी घाटी में दुर्घटनाएं रोकने के लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति में लिए गए निर्णयों के अनुसार समस्त कार्यवाहियां करें। कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक ने टोल प्लाजा से लेकर पूरे घाट का अधिकारियों के साथ पैदल भ्रमण करके जायजा लिया। निरीक्षण के समय SDM त्योथर PK पांडे, SDOP विवेक लाल, जिला प्रबंधक सड़क विकास निगम HNS गौतम, परिवहन अधिकारी मनीष त्रिपाठी तथा सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य उपस्थित रहे। उसने काम किया, कितने बजे वापस आया? दिन पूरी रात का, 10 बजे से लेकर सवेरे 8 बजे का हाईवे पेट्रोलिंग की आपकी गाड़ी का डेली का अपने को जानकारी मिलता रहे कि वो कब निकली, कहाँ गई, क्या किया उसने, और उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग करा के भेजी आप। आज हम लोगों ने सड़क सुरक्षा की जो कमेटी है उनके सभी मेंबर्स और जो सुहागी रोड के संबंध में एक टेक्निकल टीम बनाई गई है उनके साथ इसका निरीक्षण किया गया है और MPRDC के लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि जो इसमें कमियां दिख रही है, बहुत सारी कमियां तो ऐसे ही दिख रही है, उसके अलावा जो टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर जो कमियां हैं उसको तत्कालिक पूरा किया जाए। इसके एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म दो तरीके निकाले जाए, जो कि एक काम जो तात्कालिक रूप से किया जा सकता है उसको तो तत्काल करें। कुछ जगह पर ब्लाइंड कर्व्स हैं, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो ब्लाइंड ना रहे। जो रूटीन की कार्यवाहियाँ हैं, जो पेंटिंग करने का काम, लाइट लगाने का काम, अनाउंसमेंट करने का काम, इसको पूरा किया जाए। जो जिम्मेदारियां हैं टॉल की जो कंपनी है उसकी, उसको डिटेल में कहा गया है कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो रात्रि में हाईवे पेट्रोलिंग का काम है वो उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, उसको करने के निर्देश दिए गए हैं। जो वहाँ पे एम्बुलेंस है, क्रेन है और हाईवा है, वो रखने और उसके जो ड्राइवर्स हैं उनके डिटेल्स थाने के साथ शेयर करने, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने और उनके मूवमेंट सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे ऑडियो से अनाउंसमेंट करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जहाँ पे स्पीड ब्रेकर है उससे आगे उसके इंडिकेटर और वहाँ पे पेंटिंग, इसको करने के निर्देश दिए गए हैं। और स्पीड लिमिट भी 20 किलोमीटर करने और उसका अनाउंसमेंट करने के लिए बात की गई है। कोशिश की जा रही है कि इसको दुर्घटना से मुक्त किया जाए। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए, के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।